जी विदेश ना मैनेजिंग एडिटर अनिल संघवी मैच जो आया छे अने ए पण उत्साहित छे मैच जोवा माटे ते शू कही रह्या छे ए पण जाणी लिए समझी लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का अहम मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस मैच को देखने के लिए पूरा जन सैलाब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुआ है। ये सारे लोग मैच देखना चाहते हैं, देश के कई कोनों से लोग मैच देखने के लिए आए। और हमारे साथ आज जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी, बात करते हैं उनसे। सिंघवी सर, भारत पाकिस्तान मैच देखने का मौका आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ये दूसरी बार है जब मैं वर्ल्ड कप का भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ, और पहला मैच मैंने मैनचेस्टर में देखा था। बट यकीन मानिए, सैकड़ों मैच देखे हैं, लाइव देखे हैं, इंडिया पाकिस्तान के भी कई देखे हैं, लेकिन ऐसा माहौल जिंदगी में कभी नहीं देखा। जो पब्लिक है और जो जोश है, जो उत्साह है, कि देखने लायक है, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। और मतलब अभी तो मैच शुरू होने में वक्त है, लेकिन लोगों का जोश देखिए, यहीं से स्टेडियम के बाहर से ही इतने नारे लगाते हुए जा रहे हैं, और सबके चेहरे पर ऐसी खुशी है, और सब ये मान कर चल रहे हैं कि आज हिंदुस्तान फिर से एक बार कुछ बड़ा कमाल करके दिखाने वाला है। 7 बार से हम लगातार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा रहे हैं, और 8वीं बार एक बार फिर हमें मौका मिला है हराने का, तो पूरी टीम इंडिया में तो जोश यही है। हिंदुस्तान के हर एक आदमी में इस मैच को देखकर बड़ा ही जोश है। 1,32,000 प्रेक्षकों की क्षमता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और भारत पाकिस्तान मैच कितना अहम, मतलब इससे बड़ा और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता क्रिकेट के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं कहूंगा क्रिकेट ही छोड़िए, किसी और स्पोर्ट के लिए भी इससे बड़ा और इससे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा एक्शन जो है वो एक्शन साफ तौर पर इतने बड़े स्टेडियम में इतनी बड़ी पब्लिक के साथ, और मुझे लगता नहीं कि स्टेडियम के एक भी किसी कोने में पैर रखने की भी जगह होगी। तो मतलब लंबी लाइनें हैं, उत्साह है, और इतनी बड़ी पब्लिक के सामने इतना बड़ा मैच, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट। सर, कई सारे खिलाड़ियों के साथ आपका इंटरव्यू हुआ होगा, बात भी होगी, कितना प्रेशर रहता होगा खिलाड़ियों पर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर? यार, आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर है तो उन पर तो कितना होता होगा। तो आई एम श्योर जो भी खिलाड़ी है 100% उनके ऊपर देश की उम्मीदों का बोझ है, और वो उनके लिए भी एक मौका है कि जब कुछ करके दिखाना है, और आप कहीं भी और कुछ भी करें, लेकिन जब पाकिस्तान के सामने कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम दिखाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आई एम श्योर टीम इंडिया के प्लेयर्स जो प्रेशर से उभर कर अच्छे मेंटल सेट के साथ बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को आगे पहुंचाएंगे। और एक और बड़ी बात यह कि ठीक इस वर्ल्ड कप के पहले और वर्ल्ड कप की शुरुआत में टीम इंडिया बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ गई है, दोनों तरह से फॉर्म में, अच्छे मार्जिन से मैच जीत रहे हैं, और प्रेशर वाले मैचेस को भी हम अच्छे से खेलकर निकाल कर ले जा रहे हैं। तो आई एम श्योर इस वक्त इससे बढ़िया टीम इंडिया की टीम कभी शायद वर्ल्ड कप में रही नहीं, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है, इससे बढ़िया मेंटल स्टेट रही नहीं है। तो पूरे चांस है कि हम आज पाकिस्तान को हरा के दम लेंगे। 2011 का पुनरावर्तन होगा, जैसे धोनी ने ट्रॉफी उठाए थे, क्या मानते हैं कि रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाएंगे? कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो टीम बनी है इसमें आपके पास 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, 6 स्पेशलिस्ट बॉलर है, 2 स्पेशलिस्ट विकेटकीपर है, तो 11 लोगों की टीम में आपके पास 13 प्लेयर एक तरह से है। तो इस वक्त टीम बड़ी बैलेंस है, और सबसे बड़ी बात एक और कि टीम में जो मिडिल ऑर्डर है वो इस बार बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो पिछले वर्ल्ड कप में हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक था, लेकिन उस पर टीम इंडिया ने काम किया है। तो आई एम श्योर टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक टीम इंडिया की बैटिंग मजबूत है, बॉलिंग में कोई मुकाबला नहीं। तो आई एम श्योर बहुत ही बढ़िया मैच खेलने वाले हैं। हमारे पास पेस बॉलर में जसप्रीत बुमराह है और कुलदीप यादव, हमारे पास एक स्पिन में एक बड़ा बहुत ही बढ़िया है, और ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, जडेजा, जो यही गुजरात के हैं, ये तो धमाल और कमाल करने वाले हैं। वैसे सर, अकेले मैच देखने का मजा होता नहीं, आपके साथ कौन कौन आया जो आप मैच देखेंगे? बहुत सारे दोस्त लोग हैं, और साथ ही हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो फिजिकली या फिर मेंटली, सब साथ में, और सब लोग साथ में टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं। ये माहौल अलग है, ऐसा माहौल कभी देखने को मिल ही नहीं सकता। इसलिए भले ही हम टीवी पर देखें, कई और तरीके से देखें, उसके अपने मजे हैं, लेकिन स्टेडियम में जहाँ 1,32,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम हो, सबसे बड़ा स्टेडियम हो, सबसे बड़ा मैच हो, मदर ऑफ ऑल मैचेस, अमेजिंग। देखिए, ये थे जी मीडिया के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान का मैच मदर ऑफ ऑल मैचेस कहा जाता है, और 7 बार पाकिस्तान को हराया है, और आज 8वीं बार भी भारत पाकिस्तान को हराएगा।